नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। गर्दा उड़ा करके वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद आपका जो राय होगा, आपका जो प्रतिक्रिया होगा, कमेंट बॉक्स से भैया डाल दीजिएगा। जितने भी इतिहास मशीन खेसारी लाल यादव के फैन है आप लोग जान जाइए, क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैन हर क्षेत्र में है, हर जिला में है, हर गांव में है। भैया एक बार ध्यान रखिएगा, तो उन सबों से बता दें कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव 28 तारीख को भैया पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो आप लोगों से ये गर्दा उड़ा दीजिए खाली नाम सुन के। उसके बाद आपको बता दें कि कल नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए थे, अपना सभा आयोजित किए और भीड़ इतना देखने को मिला भैया। उसके बाद कल पवन सिंह का भी था, उसमें भी लोग इतना गए, इतना भीड़ भैया, बाप रे बाप। मुझे देखने से लगता है कि ये जो मुकाबला है भैया दिलचस्प होने वाला है, एकदम जबरदस्त बेस्ट बेहतरीन भैया मुकाबला है। और हर क्षेत्र में काराकाट का भैया एकदम हल्ला है कि के जीतेगा। बीजेपी वाला बोलता है बीजेपी वाला जीतेगा, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय है, सभी लोग का कहना है और लहर भी भैया है पवन सिंह का कि नहीं जीतेंगे तो भैया पवन सिंह। खैर ये चुनाव है भैया, कौन आपके साथ होगा कौन आपके साथ नहीं देगा ये तो भैया कहना मुश्किल है। रात भर में भैया सत्ता पलट जाता है, समझे ना। और कल भीड़ देखे भैया, बहुत सारे लोग कल नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने गए होंगे, प्रधानमंत्री है हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, उनको लोग देखने गए होंगे। इधर बहुत सारे लोग पवन सिंह को देखने गए होंगे, बहुत सारे लोग काजल रघवानी को देखने गए थे, एक से बढ़कर एक दिग्गज स्टार थे उस सबको भी देखने गए थे। अब कौन वोट किसको देगा भैया ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन वोट किसको दे दिया और कौन भैया काराकाट से निकल गया। हवा तो भैया चारों तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का है, लेकिन अब देखिए भैया खेला क्या होता है। खैर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप किसके चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।